सबसे पहले 1 टेबल स्पून व्हाइट तिल को रोस्ट करेंगे। ये देखें तिल हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। हम लोग डालेंगे 1 टीस्पून बटर, 2 मीडियम साइज प्याज है जिसको हमने महीन काट लिया है, इसको इसमें फ्राई कर लेते हैं मक्खन में। बहुत ज्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, बस प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए बस इतना ही हमें भूनना है। और ये देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। इसके बाद हम डालेंगे ये चिकन, बोनलेस चिकन है जिसको हमने छोटा छोटा कट कर लिया है, इसको इसमें डाल देते हैं। इसके बाद डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। इसको 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे सबको मिक्स करते हुए। और ये देखें चिकन का कलर भी चेंज हो गया है और बहुत अच्छे से हमने 2-3 मिनट भून लिया है इसको। अब इसे हम स्लो फ्लेम पे 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे, बिल्कुल गैस को स्लो कर दीजिएगा। अब 5 मिनट के बाद मिलते हैं। ये देखिए 5 मिनट हो गया है, आइए देख लेते हैं। ये देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छे से पक गया है, गल गया है चिकन। इसमें हम डाल देते हैं 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च, आप चाहें तो पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। इसके साथ डाल देंगे 1 शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, इसे हम थोड़ी देर भून लेते हैं। इसके बाद डालेंगे हम लोग 1/4 काली मिर्च पाउडर, इसके बाद डालेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून, रेड चिली सॉस, इसके बाद डालेंगे पिज्जा सॉस 1/2 टीस्पून डालेंगे, फिर व्हाइट वेनेगर डालेंगे और इन सबको 1 मिनट तक मिक्स करते हुए भून लेंगे। और ये देखें 1 से 2 मिनट तक इसको हमने स्लो आंच में फ्राई कर लिया है, सारे मसालों को भून लिया हमने, सॉस भी अच्छे से पक गए हैं, मिक्स कर लिया है। अब इसको छोड़ देते हैं बिल्कुल ठंडा होने के लिए, फिर आपको बताते हैं। देखिए चिकन हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो इसमें आप चाहे मेयोनीज मिला सकते हैं, लेकिन मैं इसमें फ्रेश क्रीम मिला रही हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल ठंडा होने पे मिलाइएगा वरना ये मेल्ट हो जाएगा। और ये देखिए हमने अच्छे से क्रीम को मिक्स कर लिया है। देखें इस तरह से बन ले लेंगे, या अगर आप लादी पाव में बनाना चाहें तो लादी पाव में भी बना सकते हैं। तो इसको हमने बीच से कट कर लिया है इस तरह से, इस तरह से कट कर लेना है। इसके बाद इसमें हम लगाएंगे मक्खन, आप चाहें तो चटनी कोई भी सॉस लगा सकते हैं। सब में लग गया है, अब इसके ऊपर हम रखेंगे थोड़ा सा मोजरेला चीज इस तरह से फैलाते हुए।
मोजरेला चीज लगा दिया है लेयर। अब इसके बाद हम रखेंगे अपने चिकन की लेयर जो बनाए हुए थे अभी। चिकन को एक लेयर तीनों बर्गर में तीनों बन में लगा लिए हैं। अब इसी के ऊपर फिर से हम मोजरेला चीज रखते हैं और इसके बाद अब ऊपर की लेयर को इसके ऊपर ढक देंगे। इस तरह से अब इसके ऊपर भी हम मक्खन लगा रहे हैं कि एक चीज अभी हमें डालनी है वो इसमें अच्छे से चिपक जाएगा। सफेद तिल ये देखें इस तरह से, इससे देखने में थोड़ा खूबसूरत लगता है लुक। ये तैयार हो गया है, चलिए इसको सेक लेते हैं। ये देखें कढ़ाई में हमने नीचे से मक्खन लगाया हुआ है थोड़ा, और उसके बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे एक मिनट तक देते हैं, सेकने देते हैं। और आइए देख लेते हैं, एक मिनट हो गया है, ये देखें कितना बढ़िया सेक गया है हमारा बन। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने तीनों बन को बाहर निकाल लिया, बहुत अच्छे से सेक गए हैं, और एक मैं आपको काट के दिखाती हूँ। बनकर तैयार है, ये बहुत टेस्टी लगता है और आपने देखा बिल्कुल आसान है बनाना, कोई झंझट नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।